हाल चाल है आपका? ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की हमारी नई वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं पटियाला के शीश महल। तो भाई आज हम आपको पटियाला का शीश महल दिखाएंगे। काफ़ी पुराना है, जो 1847 ईस्वी में बना था। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि वो वाक्य में शीशे का महल है, या जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं वहाँ पर कुछ आता है, जैसे वहाँ पर ये है, वह तलवारें हैं, वह सिक्के हैं, काफ़ी पुराना महाराजाओं की चीज़ें हैं। तो आज हमारी इस वीडियो देखना, हम आपको शीश महल लेके जाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि वो फ्री में है या उसकी कोई टिकट वगैरह लगती है। तो भाई जो हमारा शीश महल है, जो अभी पटियाला में स्थित है भाई, अभी हम आगे आपको शीश महल में लेके जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो। चल 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 चल। दोस्तों ये यहाँ की पार्किंग है और ये यहाँ का एंट्री गेट है। यहाँ की कोई टिकट नहीं है, विदाउट टिकट अंदर जा सकते हो। देखो दोस्तों ये शीश महल। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो शीश महल पटियाला। वैसे तो ये शीशे का महल नहीं, शीशा जो इसके अंदर है, अभी वहाँ पे अंदर बंद है, जो पिछले 12-13 साल से बंद पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी जो इसकी मेटल गैलरी और आर्ट गैलरी है वो बंद पड़ी है अभी। तो आप इसके बाहर बाहर घूम सकते हो, आपको बाहर घूमने की कोई टिकट नहीं है इसकी। तो देखो दोस्तों काफी बड़ी रॉयल फीलिंग आती है यहाँ पे आके। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड अर्श 0001, इसको 0001 बोलते हैं। तो ये है मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्त, ये दोस्तों ये मेटल गैलरी है जी, अजय बंद हुई है मरम्मत करके। तो ये देखो, तो अभी हम वहां से सीढ़ियों से उतर के आए थे, तो अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। तो देखो तो अभी हम ऊपर चढ़ चुके हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये रानी विक्टोरिया की है, जो भी रानी विक्टोरिया की बनी हुई है। तो इसके बारे में कुछ लिखा है, और द मोगा इरेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द मोगा तहसील 1905। तो भाई देखो आप, काफी अच्छा नजारा है दोस्तों। लक्ष्मण झूला जो भी बंद पड़ा है, काफी टाइम से बंद पड़ा है, तो भाई इस पर अभी चढ़ने नहीं देते। तकरीबन मैं जब यहाँ पहले तो आता रहता हूँ, जब मैं ये खुला था तब मैं आया था यहाँ पे, तकरीबन 13-14 साल हो गए, तब तो इस पर चढ़ने देते, अभी इस पर चढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों आप देखो, तो ये देखो पटियाला के महाराजा यादविंद्रा सिंह की स्टैचू बना हुआ है। तो भाई अभी इस पर किसी तरह का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जितनी हमको नॉलेज है हम बता देते हैं। महाराजा यादविंद्र सिंह का ये स्टैचू है। तो अभी हम आपको यहाँ के जो महल की रक्षा के लिए तोपें खड़ी थी, अभी हम आपको वो तोपों का नज़ारा करवाते हैं। ये देखो, ये तो चिड़ियों ने अंडे दे रखे हैं, इसमें चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है, यहाँ पे मिसाल लगाने के लिए बनी हुई है। तो ये यहाँ की दीवार है दोस्तों, आप देखो काफ़ी बड़ी तोप है, काफ़ी बड़ी। इसका मुंह देखो आप, ये देखो कितना खुला मुंह पड़ा है, अभी आप इसको देख सकते हो। तो भाई ये भी लकड़ी की बनी हुई है,
ये भी ऊपर लोहे का लगा हुआ है, ये नीचे लकड़ी की बनी हुई है, ये नीचे लकड़ी की बनी हुई है तो ये लोहे का लगा हुआ है। तो आ जाओ अभी हम आपको देखते हैं, तो इधर दिखाओ। तो दोस्तों ये देखो महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। जितना कम को नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं कि ये महारानी विक्टोरिया ही है जिसका यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों दोस्तों हमको इसके बारे में नहीं पता कि कौन सा महाराजा है। वैसे तो देखने में ये कोई बाहर का ही लग रहा है, इंडिया का तो नहीं लग रहा। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप भाई हमको बता सकते हो कि ये कहाँ का राजा है। तो भाई आप देख सकते हो ये यहाँ का महाराजा है। तो भाई ये आप सामने देख सकते हो एक टूटी हुई तो पड़ी है जिसके चक्के अभी टूट चुके हैं, तो काफ़ी ये सॉलिड लोहा है। तो इसके पे अभी ईयर लिखा हुआ है, तो अभी हम देखते हैं। तो भाई देखते हैं ये कितना पुराना है। तो इस पे ईयर लिखा है भाई 1799 इस पे लिखा हुआ है। कुछ और भी लिखा हुआ है इस पे, ये यहाँ पे किंग का निशान लगा हुआ है जो ताज होता है। तो चेंज ऐसा कुछ का स्केल लिखा हुआ है इस पे कुछ। तो भाई काफ़ी सॉलिड लोहा है ये, इसका वजन नहीं संभाल पाया होगा तो इसलिए ये टूट पड़ा। तो दोस्तों अगर आप पंजाब में आते हो घूमने की जगह, तो भाई आप पटियाला के शीश महल में जरूर आओ, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी देखने को जगह है। जैसे गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब हो गया, शीश महल हो गया, तो काफ़ी और जगह यहाँ पे एक जू भी है पटियाला जू, जहाँ पे काफ़ी तरह के जानवर है। तो भाई आप यहाँ पे जरूर आओ, तो भाई आप यहाँ पे जरूर आना। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे तोपे, काफ़ी तरह की तोपे पड़ी हैं यहाँ पे। तो भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू भाई।